हेलो किड्स, दिस इज भारती जायसवाल टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था। टुडे वी विल कंटिन्यू विथ टेंस, बट बिफोर दैट आई वांट टू शेयर समथिंग मोर अबाउट वर्ब्स। आपने वर्ब पहले भी पढ़ा है, बट टेंस समझने से पहले वर्ब को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पूरा टेंस ही डिपेंडेंट है वर्ब पे ही, वर्ब के फॉर्म पे और ओरिजिनल वर्ब पे। तो लेट्स स्टार्ट टेंस। सबसे पहले आपने पढ़ लिया है कि टेंस के तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट बिफोर दैट यू नो दैट विथ सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस वी यूज सिंगुलर वर्ब्स। आपने नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है और वर्ब भी पढ़ा है। तो आपने क्या सीखा है? विथ सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब्स, एंड विथ प्लूरल नाउंस और प्रोनाउंस वी यूज प्लूरल वर्ब्स। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हियर सी इज सिंगुलर प्रोनाउन एंड इज सिंगुलर वर्ब। ज्योति इज नॉटी गर्ल, ज्योति इज सिंगुलर नाउन एंड इज सिंगुलर वर्ब। सिमिलरली दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, हियर दे इज प्लूरल प्रोनाउन एंड आर इज प्लूरल वर्ब। सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, हियर सीता एंड गीता आर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स एंड आर इज प्लूरल वर्ब। वन मोर थिंग यू शुड नो दैट वी यूज एम ओनली विथ आई। सो आपने क्या देखा? आई, ही, सी और इट, ऑल दीज आर सिंगुलर प्रोनाउंस और इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब एम और इज का यूज करते हैं। वैसे ही वी, यू एंड दे, ऑल दीज आर प्लूरल प्रोनाउंस और यहाँ हम प्लूरल वर्ब आर का यूज करते हैं। तो आपने ये तो सपोर्टिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म्स देखे, यूजेस देखे, बट व्हाट अबाउट मेन वर्ब्स? वी यूज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आई, वी, यू एंड दे। जैसे आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले एंड दे प्ले। इन सब के साथ प्ले जो मेन वर्ब है उसका हमने ओरिजिनल फॉर्म यूज किया, मीन्स प्ले, ओनली प्ले, नॉट प्लेज। क्लियर? बट ही, सी, इट और एनी नेम के साथ हम हमेशा ही वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं। वी ऐड एस और ईएस टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेनेवर वी यूज इट विथ ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउंस। क्लियर? जैसे सी गोज टू बेड एट 8 pm एवरी डे, हियर गो इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब गो, बट वी एडेड हियर, आई एडेड हियर es। सी गोज टू बेड एट 8 pm एवरी डे। ज्योति लिव्स इन अ लार्ज हाउस, हियर Leave is the original form of verb, but I added here is because Jyoti is a noun, third person noun. So Jyoti lives in a large house. तो आपने देखा supporting verb में क्या क्या changes हैं या supporting verb हम कैसे use करते हैं singular noun या pronoun के साथ, और main verbs हम कैसे use करते हैं सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ये समझने के बाद अब जब आप पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्क्राइब सिंपल प्रेजेंट टेंस। थैंक यू।